हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। हम लोग लारावेल में एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे कि हम लोग ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं लारावेल में। तो ये सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही होगा, जब भी आप रेस्टोरेंट या किसी शॉप वगैरह पे जाते हो तो उनके पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। उसमें जब भी आप कुछ ऑर्डर वगैरह करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी आइटम है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है, उसका प्राइस डिस्प्ले हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर चिकन मसाला सेलेक्ट करता हूँ तो उसका प्राइस यहाँ पर 1110 आ गया। अब जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर आके ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर उन्होंने रेस्टोरेंट में जरूर देखा ही होगा ऑर्डर करते समय। तो चलिए देखते हैं कि इसका कोड मैंने बैकग्राउंड में कैसे किया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चिकन मसाला ऐड किया तो चिकन मसाला, एक्चुअली मसाला नहीं आ रहा क्योंकि जो इसका विड्थ है मैंने कम दिया, इसलिए चिकन ही लिख के आ रहा है, मसाला प्रिंट होके नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप चाहिए तो विड्थ इसका जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। और मैंने क्वान्टिटी 2 दी तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया, उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 1110 है। और टोटल मैंने 2 दिया तो 2 को 1110 से मल्टीप्लाई किया तो 220 हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर सब टोटल दिखाया। सब टोटल मतलब क्या कि ये जो ऊपर का पहला ऑर्डर है दूसरे ऑर्डर का टोटल कितना है, 270 है। और यहाँ पे मैंने 5% टैक्स लगाया। किस पे लगाया कि जितना भी आपका टोटल होगा उसका 5% आपको टैक्स देना है, राइट। तो यहाँ पे 13-15 रुपीज़ यहाँ पे टैक्स हो गया और उसको टोटल ऐड करके ये पेबल अमाउंट आपका ये ग्रॉस टोटल। ठीक है, तो इसको कंट्रोल पी करके आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइम और डेट वगैरह मैंने यहाँ पे शो कराई है। तो इसका कोड मैं दोस्तों अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। तो आप मेरे साइट पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको लारावेल पे काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, कैप्चा वगैरह हम लोग कैसे बनाते हैं लारावेल में, ग्राफ वगैरह कैसे शो कराते हैं लारावेल में, ये पूरा कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने। और आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे PHP में मैंने कई सारा छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना के रखा है। यहाँ से आप चाहिए तो कोई भी प्रोजेक्ट उठा सकते हो। React.js में भी मैंने कोई प्रोजेक्ट बना के रखा है, फूड रेसिपी वगैरह कैसे बनाते हैं, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन React.js में कैसे बनाते हैं, ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोड में चलते हैं। डेटाबेस आपको दिखा देता हूँ पहले। ये डेटाबेस है, बिल रिसिप्ट नाम का डेटाबेस है, उसमें ऑर्डर्स नाम का एक टेबल है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है और प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट जो क्वांटिटी उसकी नीड नहीं है क्योंकि मैनुअली हम लोग यहाँ से उसको सिलेक्ट करने वाले, तो डेटाबेस से कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो चलिए हम लोग जाते हैं कोड में। कोड में चलते हैं, कुछ देखते हैं क्या किया है मैंने कोड में। तो कोड में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर लारावेल का जो क्वेरी बिल्डर फीचर है डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एलोकेंट है वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप पे ऊपर है, आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर बना लिया, आई होप कंट्रोलर को तो बनाना आता ही होगा। तो रिसिप्ट कंट्रोलर .php नाम का एक कंट्रोलर बना लिया और web.php में राउटिंग में मैं गया, 2 राउट यहाँ पे सेट कर लिया, रूट या राउट जो भी बोल लो। ठीक है, एक बिल रिसिप्ट नाम का और गेट प्राइज नाम का। ठीक है, तो जो बिल रिसिप्ट है ना मुझे ये एक्चुअली क्या दे रहा है, ये आपको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये मुझे ये आइटम दे रहा है, ठीक है, बटर रोटी और जो भी है मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है ना सब वेजिटेबल्स की वो इसके थ्रू आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने कहाँ पे सेट किया है, ये मैंने सेट किया है रिसिप्ट कंट्रोलर एडर इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही उसको गेट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ इंडेक्स में। मैंने देखिए क्या लिखा, मैंने एक एरे बना लिया डॉलर डेटा ऑर्डर्स। ये ऑर्डर्स में आप कुछ भी ले सकते हो, ऑर्डर्स या रिजल्ट रिस्पॉन्स जो भी, बट रिलेटेड डेटा लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऑर्डर्स की जगह आप कुछ और ले सकते थे क्योंकि ये मैच जो टेबल नेम है और ये मैच हो गया, तो इसको आप कुछ भी ले सकते हो, ये तो आपका टेबल नेम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो लिखना बहुत ज़रूरी है रिडायरेक्ट और रिस्पांस, क्योंकि मैं जेसन में काम करूँगा, मैं यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ नीचे मुझे जेसन चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स उसको ले लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, db:// टेबल ऑर्डर्स गेट जो भी रिजल्ट है मुझे शो करा दो। तो देखते ये जो क्वेरी के थ्रू मुझे क्या रिजल्ट मिलता है डेटाबेस से। तो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता, ठीक है, तो ये सब मिल गया, पनीर मटर उसका जो प्राइस है और उसका प्रोडक्ट आईडी मिल गया और उसकी आईडी जो मिल गई। ठीक है, टेबल आईडी प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी अलग है, टेबल की आईडी जो अलग है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आईडी है, राइट, तो ये चीज मेरे को ये दे रहा है। तो हम लोग इसको कमेंट करते, फिर मैंने क्या किया, रिटर्न व्यू करा दिया। व्यू जो मैं है बिल है मेरा, यहाँ पर व्यू दिख रहा होगा, blade.php में मैंने सारा का सारा जो टेबल का डेटा था वो मैंने शो यहाँ पे पार्सल कर दिया, सॉरी सेंड कर दिया एक्चुअली। ठीक है, पास ऑन कर दिया। और फिर bill.blade में हम लोग चलते हैं। फिर यहाँ पर ये टेबल पे मैं आ गया, यहाँ पे मैंने फॉर ईच के थ्रू
पूरा पूरा जो कंटेंट था वो मैंने यहाँ पे शो करा दिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा कंटेंट शो करा रही है। एक चीज़ और, मैं यहाँ पे आईडी भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि आईडी के थ्रू मुझको मुझे उसका प्राइस मिलेगा आईडी का, ठीक है। ये कहाँ गया, एक मिनट, आईडी 123। तो ये जो आईडी मिल रहा है ये डेटाबेस से मैं ले रहा हूँ, और ये जो वैल्यू है मलाई पनीर, ये मुझे आगे काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट में उसके बाकी का जो डेटा है वेजिटेबल्स नेम है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शो करा दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिफ्रेश करते हैं। मैंने बताया जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ बटर रोटी, तो उसका उससे रिलेटेड जो भी इसका प्राइस है वो शो हो जाता है। मैं गया यहाँ पर जेक्वेरी में, मैंने बोला कि वेजिटेबल आईडी ले लो, जैसे ही वो ऑन चेंज होता है ये कोड को फायर कर दो, ठीक है। तो ये कोड मैंने फायर कर दिया, टाइप गेट रखा, क्योंकि मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स लेना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको गेट करना है, फिर इस यूआरएल पे भेज जाए। ये जो आपका यूआरएल है मैंने कहाँ पे सेट किया है, यहाँ पे सेट किया, ठीक है। तो ये यूआरएल पे आ गया। उसके बाद ये कंट्रोलर के थ्रू मुझे जो भी डेटा है ये मैंने प्राइस यहाँ पे गेट करा ली, सारी की सारी जो प्राइस है मैंने गेट करा ली, ठीक है। तो ये जो आईडी दिख रहा है ना, ये आईडी आपको मिल रहा है यहाँ से, ये देख रहे हो, ये यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अगर इसको आप गलत करते हो तो वो आपको कोई भी आंसर, मतलब आपको कोई भी रिजल्ट देगा नहीं। तो ये इसको हम लोग आईडीज कर लेते हैं, नहीं तो मैच हो जाएगा आईडीज, ठीक है। तो ये जो आईडी है, ये जो आईडी है ना, ये आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है। और ये जो आईडी है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको हमने इस आईडी के अंदर स्टोर कर दिया, और ये आईडी चली गई आपकी कहाँ पे, कंट्रोलर के पास चली गई। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल ले लिया, उसमें फिर ये क्वेरी चलाया, मैंने बोला वेयर आईडी इज इक्वल टू गेट प्राइस, ये जो आईडी अगर मैच होती तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है मुझे दे दो, ठीक है। तो उसने क्या किया, मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया मटन करी, तो उसका जो भी वैल्यू था यहाँ पे वो प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो वो इस तरह से यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन कर दिया, और यहाँ पे मैंने उसको गेट करके प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये जो आईडी है यहाँ पे जाके वो टेक्स्ट में जाके प्रिंट हो गया, रिस्पॉन्ड डॉट प्रोडक्ट प्राइस, जो भी प्राइस था वो वहाँ पे जाके प्रिंट हो गया, इसकी जगह पे वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये पैराग्राफ का आईडी है मैंने लिया है, चलो दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे एक्चुअली मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली आईडी, हाँ यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। क्वांटिटी के बीच और बटन ऐड के बीच यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा दिया इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बोला, कर फिर ये जो मुझे मिल जाता है प्राइस, तो मैं क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ दो तीन जो भी है, फिर वो ऐड करा देता हूँ यहाँ पे। तो उसको उसके बाद मैंने फिर एक ज्वेलरी का कोड लिखा है यहाँ पे, और ये कोड पूरा इतना बड़ा है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह मैंने बना के रखे कि बटन पे जैसे ही क्लिक होता है सारे के सारे जो कोड है इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। और नीचे आप देख रहे होंगे तो ये मैंने टाइम के, ये ईयर के लिए बनाया है, ये जो ईयर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसके लिए कोड यहाँ पे मैंने सेट किया है, मुझे गूगल से मिल गया था। फिर एक फंक्शन बना के उसमें डेट वगैरह, टाइम डेट वगैरह जो भी मैंने सेट करा, और नीचे जो कोड दिख रहा है वो आपको टाइम के लिए किया है मैंने। ये जो टाइम का कोड दिख रहा है आपको, ये जो टाइम मिल रहा है वो आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये लारावेल में छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप